मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा ने सिख शहरी के कत्ल से भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमरीका के साथ मिलकर काम किया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि भारत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, चाहते हैं मसले को मुनासिब तरीके से हल किया जाए। कनाडा में मुस्लिम खानदान के कत्ल के केस में नई पेशरफ। मुलजिम का इंटरव्यू करने वाले जासूस की अदालत में गवाही। जासूस का कहना है कि मुलजिम की जहनी सेहत के बारे में कोई मसला नहीं है। अमरीका सबके लिए महफूज, खुशहाल और मसावी दुनिया का ख्वाहां है। सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका चीन के साथ मसाबकत को तसादुम में बदलने का ख्वाहां नहीं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस खुराक की आलमी किल्लत को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। कुरान की बेहुरमती, अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं का एहतजाज। अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में तुर्किया, ईरान और कतर का कुरान की बेहुरमती पर एहतजाज। मुजरिमाना खामोशी पर मगरबी ममालिक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जोर दिया है कि वो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के मामले पर संजीदगी दिखाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जोर दिया कि वो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के मामले पर संजीदगी दिखाए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक वाकया है। भारत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, भारतीय हुकूमत को उकसा नहीं रहे। कनाडा के सरकारी जराए का कहना है कि सिख शहरी के कत्ल से भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमरीका के साथ मिलकर काम किया। इस मामले में अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें कल होने वाला इंकशाफ भी शामिल है। कनाडा के पास मौजूद शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर किया जाएगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत पर कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाने के एक रोज़ बाद भारत ने कनाडा के एक सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया, जबकि सिफारती कशीदगी के दौरान कनाडा ने इसरार किया कि वो भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो चाहता है कि मसले को मुनासिब तरीके से हल किया जाए। जस्टिन ट्रूडो का ये इल्ज़ाम कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने कनाडा की सरजमीन पर एक कैनेडियन सिख रहनुमा को कत्ल करने में मदद की थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंज रहा है। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जहानत को देखने का मुतालबा किया, जबकि NDP लीडर जगमीत सिंह हिंदुस्तान के रडार पर मौजूद कैनेडियंस की हिफाजत के लिए एक मंसूबा देखना चाहते हैं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मामले पर कैनेडियन सरकारी जराए का कहना है के कत्ल में भारतीय एजेंट के मुमकिन मुलविस होने की इंटेलिजेंस पर अमरीका के साथ मिलकर काम किया है। सरकारी जराए का कहना है कि सिफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तिजारती मुहैदे पर बातचीत रोक दी है और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन को भी मुलतवी कर दिया है। वाजह रहे कि खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। कनाडा में सिख और मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि वो उनकी बरादरियों के खिलाफ मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मजीद इकदाम करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कनाडा में सिख और मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि वो उनकी बरादरियों के खिलाफ मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मजीद इकदाम करें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के बोर्ड के रुकन मकबीर सिंह ने कहा कि रवां हफ्ते होने वाले इंकशाफात ने बहुत से कनाडा में रहने वाले को चौंका दिया होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिख और मुस्लिम रहनुमाओं का मुतालबा ऐसे मौके पर सामने आया जब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत को मुलविस करार दिया था। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स एडुकेसी ग्रुप के साथ ऑटावा में एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये इंकशाफात सिख बिरादरी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। मजीद कहा कि उनकी तंजीम कैनेडा में सिखों के खिलाफ मौजूदा दीगर खतरात से आगाह थी, जिनमें से कुछ को कहा गया है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। मकबीर सिंह ने कहा कि हम सब इसमें एक साथ हैं, क्योंकि जब किसी कैनेडियन पर हमला होता है, जब उसमें इंसानी हकूक और इंसाफ के बारे में बात करने की जरूरत होती है, जो ये हम सब के लिए खतरा है। कैनेडा में मुस्लिम खानदान के कत्ल के केस में नई पेशरफ सामने आई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा में मुस्लिम खानदान के कत्ल के केस में नई पेशरफ सामने आई है। जासूस जिसने जून 2021 में लंदन ऑन्टेरियो में एक मुसलमान खानदान को उसके पिकअप ट्रक से कत्ल करने के चंद घंटों में नेथनियल वेल्चमैन का इंटरव्यू किया ने मंगल को गवाही दी कि उसे कातिल की जहनी सेहत के बारे में कोई फिक्र नहीं है। लंदन पुलिस के जासूस मेका बॉर्डो से विंडसर में ऑन्टेरियो सुपीरियर कोर्ट में 22 साल नौजवान के कत्ल दहशतगर्दी के मुकदमे में जरह की गई। उसने दिफाई वकील क्रिस हिक्स को बताया कि वो मुलजिम के हलचल और सदमे में होने के दावों से परेशान नहीं है। मैं ज्यादा परेशान होता अगर वो ना हिला होता। वेल्चमैन को फर्स्ट डिग्री कत्ल की चार गिनती और कत्ल की कोशिश की एक चार्ज के साथ साथ दहशतगर्दी से वाबस्ता इल्जामात का सामना है। अफजल खानदान के 5 अफराद 6 जून 2021 को शाम को टहल रहे थे कि उन्हें मुलजिम के ट्रक ने टक्कर मार दी। मुकदमे की इब्तदाई समाअत में क्राउन और दिफाई वकला ने मुतादिद हकाइक पर इत्तेफाक किया जिन पर बहस नहीं की जाएगी, बशमूल ये कि मुलजिमान ने सयाह डॉज राम पिकअप ट्रक से खानदान को कुचला। इस तगासा का इल्ज़ाम है कि अफजल को इसलिए निशाना बनाया गया कि वो रिवायती पाकिस्तानी लिबास पहने हुए थे और वो मुसलमान थे और मुलजिम इंतहाई दाएँ बाजू के कौम परस्त नज़रिए से मुतासिर था। उसने तमाम इल्ज़ाम में कसूरवार ना होने की इस्तदा की है और उसके दिफाई वकला इस बात को ले रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद उसके साथ कैसा सुलूक किया गया, पहले पुलिस सेल में और फिर बॉर्डो के इंटरव्यू के दौरान। उसने कहा कि वो सदमे से थोड़ा हिल गया था लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है, मुझे उसकी जहनी हालत के बारे में कोई फिक्र नहीं है। बॉर्डो ने मुलजिम का गिरफ्तारी के बाद दो बार इंटरव्यू किया, एक बार हमले की रात और सुबह के औकात में और दोबारा 7 जून 2021 को सुबह 9:30 बजे के करीब। पुलिस ने इंटरव्यूज की वीडियो फुटेज बतौर सबूत अदालत में दाखिल कर दी है। मुकदमे की समाअत के शुरू में ज्यूरी की तरफ से देखी गई वीडियो में हमले के बाद हिरासत में रहते हुए मुलजिम को अपने सेल में घूमते हुए दिखाया गया है। दूसरे इंटरव्यू में वेल्चमैन ज्यादा दब गया है। मुकदमे की कार्रवाई जो 8 हफ्तों तक जारी रहने की तवक्को है 11 सितम्बर को शुरू हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि आलमी तनाज़ा से तकरीबन 1 अरब लोग मुतासर हो रहे हैं। अमरीका सबके लिए महफूज खुशहाल मसावी दुनिया का ख्वाहां है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि आलमी तनाज़ा से तकरीबन 1 अरब लोग मुतासर हो रहे हैं। अमरीका सबके लिए महफूज खुशहाल मसावी दुनिया का ख्वाहां है। सदर बाइडन ने इन ख्यालात का इजहार न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अमरीका का मुस्तकबिल आप सबसे वाबस्ता है। कोई कौम भी हालिया चैलेंजेस का तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। मौजूदा मसाइल के हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। मैं बतौर अमरीकी सदर अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा आलमी अमन के लिए अपना किरदार जारी रखे। उन्होंने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों के अहदाफ पर अमल दरामद के लिए तेजी लानी होगी। मौसमियाती तब्दीलियाँ इंसानियत के लिए खतरा हैं। सदर बाइडन ने कहा कि यूक्रेन की जंग गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन के मामले में तन्हा है। रूस का ख्याल है दुनिया इसे यूक्रेन में जुल्म की इजाज़त दे देगी। रूस को इस मामले में छोड़ दिया जाए तो क्या किसी भी कौम की आज़ादी महफूज रह सकेगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इंसानी हकूक और खुद मुख्तारी अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी नुकात हैं। अक़वामे मुत्तहिदा को यूक्रेन में रूस की जहरियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अमरीकी सदर का कहना था हम इस अज़म पर कायम हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। ईरान की अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों से निमटने के लिए इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका
चीन के साथ मसाकत को तसादुम में बदलने का ख्वाह नहीं। उन्होंने कहा कि जंग के इम्कान से बचने के लिए चीन के साथ मसाकत जिम्मेदारी से संभालने की कोशिश की है। सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 78वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेनी बच्चों को अगवा करके यूक्रेन से नफरत सिखा रहा है, ये वाज़ह नस्ल कुशी है। ज़ेलेंस्की का अपने खिताब में मजीद कहना था कि हमें मुत्तहिद होकर रूस को शिकस्त देनी चाहिए, हमें अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवानाई इन चैलेंजेस से निमटने पर मरकूज करना होंगी। यूक्रेनी सदर का कहना था कि रूस को अपनी सरजमीन पर वापस जाना चाहिए। कुरान पाक की बेहरमती पर तुर्किया, ईरान और कतर ने मुजरमाना खामोशी पर मगरबी ममालिक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास में तुर्किया, ईरान और कतर के सरबराहान मुमलिकत ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहरमती की नापाक जसारत पर शदीद एहतजाज करते हुए आलमी फोरम से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। आलमी खबर इदारे के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम अस्सानी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक अल्लाह की मुकद्दस किताब है जिसके मानने वालों को दुनिया भर में तादाद अरबों में है। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने कहा कुरान पाक की बेहरमती के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ऐसा करने वाले इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं और ये दोनों चीज़ें ही दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। रजब तैयब उर्दवान ने मगरबी ममालिक के ऐसे वाकयात पर खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स को इस्लामोफोबिया के तदारक के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें करनी चाहिए। अमीर कतर ने कहा कि मुकद्दस किताब को जलाने की कोशिश की गई, इस तौहीन से मुस्लिम बिरादरी की दिलासारी हुई। आज़ादी इजहार राय के नाम पर जानबूझकर किए जाने वाले ऐसे वाकयात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि मगरबी ममालिक में मुसलिम तशख्स को ज़ख़्म पहुँचाई जा रही है। कुरान पाक की बेहरमती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आलमी फोरम को भी इसकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इस्लामी शायर की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है, दुनिया को बाहमी एहतराम के जज्बे के तहत ही अमन की जगह बनाया जा सकता है। मगरबी ममालिक आज़ादी इजहार राय के नाम पर तौहीन कुरान बंद करें। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Views are precise and effective.